हेलो गाइज, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक में। गाइज, आज की जो न्यूज है वो बहुत ही खास है, क्योंकि एक पोता को परीक्षा देने के लिए जाना था, पर वो सो रहा था और सोते टाइम पे वो उठ नहीं रहा था, और उसके तंग होने के बाद दादी ने पुलिस बुला ली। ये घटना के बारे में सुन के आप लोटपोट होने वाले हैं, कहां पर आपको हंसी भी आने वाली है और कहीं पर आपको गुस्सा भी आने वाला। तो चलिए जानते हैं ये पूरी घटना क्या है और उसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया और क्या वो परीक्षा देने के लिए गया और दादी का क्या कहना, सब चीजों के बारे में हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ज्यादा ज्यादा कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइज, ये मामला हमारे सामने थाईलैंड बैंकॉक का आ रहा है, जहां पर एक घर में दादी और पोता दोनों ही रहते हैं। और काफी टाइम पे वो वैसे तो जाता था स्कूल, पर उसके उसके साथ एक परीक्षा उसने दे दी थी, पर जब इसे शुक्रवार को उसको परीक्षा देने के लिए जाना था तब वो सो रहा था, और सोते टाइम पे दादी ने बोला कि तुम उठो और स्कूल जाओ, तुम्हारी परीक्षा है। काफी देर तक उस पोते को उठाती रही दादी, पर वो उठा नहीं। फिर उसके बाद उसने काफी ज्यादा ये चीज के बारे में बोला कि तुम उठ जाओ, परीक्षा है, तुम उठ जाओ, तुम्हें परीक्षा है, तुम्हें जाना है स्कूल, पर वो नहीं उठा, टस से वो मस नहीं हुआ। और उसके बाद तंग होके उसने पुलिस को बुला लिया और बैंकॉक की पुलिस वहां पर पहुंची, और पहुंचने के बाद जब उन्होंने ये घटना सुनी तो पहले तो वो हंस पड़े, और हंसने के बाद उन्होंने उस लड़के से बात की और उसको उठाया, और उठाने के बाद उसको समझाया कि पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्जाम्स है, तुम्हें जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद उन्होंने खुद की बाइक पे बिठा के उसको रेडी किया, पहले तो दादी ने उसको रेडी किया, रेडी करने के बाद वो अपनी बाइक पे बिठा के पुलिस वाले उसको वहां पर स्कूल छोड़ के आए, परीक्षा में छोड़ के आए, और अभी वो परीक्षा वो दे चुका है। और उसके बाद ये पूरी घटना वहां की बैंकॉक की पुलिस ने खुद अपने पेज पे शेयर की, और शेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, फोटोज वायरल हो गई और बहुत सारे लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं। और वहीं पर कुछ लोग ये चीज बोल रहे हैं कि अगर ये सब चीजें हैं, अगर उसको पढ़ाई नहीं करनी है तो वो ये सब चीजें ड्रामा क्यों कर रहा है, अपनी दादी को क्यों तंग कर रहा है, अभी तो घर में सिर्फ दादी ही है और पोता ही है, तो उसको पढ़ाई करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ना चाहिए, और उसी जगह पर वो अपनी दादी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। सो गाइज, कहीं पर आप लोटपोट हो रहे होंगे ये घटना सुन के, क्योंकि बहुत अभी थोड़े दिन पहले ही हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि हमारे इंडिया की एक महिला ने पुलिस वाले को बुला लिया था, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो स्कूल जाने से मना कर रहा था, जा नहीं रहा था, घर के अंदर छुपा हुआ था। तो पुलिस को पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि इस घटना के लिए उसको बुलाया, क्योंकि हमेशा पुलिस को उसके लिए बुलाया जाता है कि अगर चोरी हो जाए या कोई ऐसे मर्डर केस हो जाए या कुछ ऐसी घटना हो जाए उसके लिए बुलाया जाता है, पर इस सब के लिए कभी भी बुलाया नहीं जाता। तो ये घटना हमारी सबसे पहले इंडिया में हुई, फिर अभी बैंकॉक के थाईलैंड में हो चुकी है, और अभी लोग सोशल मीडिया पे इसके ऊपर कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं और शेयर पे शेयर किए जा रहे हैं। सो गाइज, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही ज्यादा ड्रामा करता है तो उसको समझाओ, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और तंग ना करे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती में होते हैं और उनको जाने का मन नहीं होता, तो उनसे पूछे कि उनको प्रॉब्लम क्या है, तो शायद कुछ ना कुछ स्कूल में प्रॉब्लम हुई होगी या कोई टीचर के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, अगर वो आपके साथ शेयर करेगा तो आप उसको भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा और आप उनके दोस्त बनो। तो बच्चों के अगर आप ही दोस्त बनोगे तो वो बहुत ज्यादा ओपनली अपने अपने माइंड को, अपने थॉट्स को आपके सामने रखेंगे। सो गाइस, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो जाते जाते कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।